हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पैटीज बनाना सिखाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक कटोरी के आसपास मैदा है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार डालना है थोड़ा सा। और इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, महकता है एकदम मटरी की तरह। थोड़ा हम इसको क्रश करके डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। और हम इसमें स्वाद अनुसार मिर्च डालेंगे। बस थोड़ा सा। अब हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए लड्डू की तरह ऐसे बनता है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अच्छे से गूंथ गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे और तब तक हम मैदे का घोल बना लेते हैं। घोल बनाने के लिए हमारे पास 1.5 चम्मच मैदा है और इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसमें पानी डाल करके घोल बना लेंगे। देखिए हमारा घोल रेडी है। अब हम स्टफिंग के लिए अपना आलू बना लेते हैं। अब जल्दी से स्टफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसमें जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच। और लहसुन, मिर्च और अदरक को हमने कूच लिया है, उसको 2 मिर्च, अदरक और लहसुन छोटा छोटा। बहुत जल्दी से इसका स्टफ बनता है, देर नहीं लगती है। और थोड़ा सा हम इसमें 1/2 चम्मच हींग डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। और अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे। ये हमारे पास एक बड़े साइज का आलू है जिसको हमने उबाल करके काट लिया है। बहुत जल्दी बनता है ये। और अब हम इसमें 1 चम्मच भर के दम आलू मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं। दम आलू मसाला से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम अपनी मछली बनाते हैं और पैटीज भी। तो चलिए देख लेते हैं।
ये दोस्तों, तो अब हम आपको पैटीज बनाना सिखाते हैं। ये देखिए, हमने आटे की छोटी छोटी लोइयां बना ली है जो हमने गूंथी थी। और ये क्यों बनाया है आपको बताती हूँ। आपको हर लोई की अलग अलग रोटियां बेलनी हैं, पतली पतली। हर लोई की अलग अलग रोटियां आपको बेलनी हैं। क्यों करना है अब आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह आपको कम से कम 8-10 बेलनी है। 8-10 इसलिए बेलनी है क्योंकि आपको इसके परत बनाने हैं, तभी पेटीज बनेगी अच्छी सी और बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं। अब हम इनकी पैटीज बनाएंगे। ये कम से कम 10-12 हैं, तो ये क्यों इतना हमने बेला है आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक लेंगे और फिर उसमें हम ये अपना घोल लगाएंगे जो हमने बनाया था, ठीक। और फिर हम उसमें तेल भी लगाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरी लेंगे। सब पे ऐसे ही करते चले जाएंगे हम। हमारी सब लग गई है। अब हम इसको बेल लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पेटीज देखे होंगे, उसमें इतनी सारी लेयर्स होती हैं, तो सब लोग नहीं बना पाते हैं लेयर्ड वाली, पर मैं आपको लेयर वाली दिखाऊंगी बना के। ऐसे आपको बेलना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको 4 पार्ट में कर लेंगे। देखिए, एक बार में आपके 4 पेटीज तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, और हमें इन्हें ऐसे ही बेलना है चौकोर ही। अब हम इसमें अपने आलू भरेंगे। और उसके बाद हम इसे इधर नीचे की ओर भरेंगे। और उसके बाद हम इन्हें ऐसे यहाँ पे इसी से ऐसे इसको लगा के और ऑयल लगा के इसको ऐसे मोड़ देंगे। यदि आपके पास ओवन है तो आप ओवन में बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपको फ्राई करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके सब रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं।
धीरे धीरे हमें मीडियम में ही फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे हमारी एकदम लेयर वाली पेटीज रेडी हो गई है, कितना बढ़िया एकदम लेयर हो गया है आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम क्रिस्पी खस्ता पेटीज रेडी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, एकदम खस्ता है आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया है। तो आप खाइए, इसका टेस्ट उठाइए, और यदि आपको हमारा पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्टी रेसिपी दी होती है। तो फ्रेंड ज़रूर हमें बताएं। नमस्कार।